हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि सीबीएसई द्वारा क्लास 12th के एग्ज़ाम को लेकर पूरी तरीके से अब एक क्लियर कर दिया गया है कि सीबीएसई जो है वो क्लास 12th के एग्ज़ाम जुलाई के प्रथम सप्ताह या जुलाई के आखिरी सप्ताह में इसका आयोजन करवा सकती है। और परीक्षा को लेकर सीबीएसई द्वारा कुछ बदलाव के संकेत दिए गए हैं। जैसे जो परीक्षा है वो उसका जो समय अवधि पहले 3 घंटे होती थी, अब 3 घंटे की बजाय परीक्षा की जो अवधि वो घटाकर 1 घंटा या 1.5 घंटा की जा सकती है। दूसरा बदलाव दोस्तों जो है पैटर्न में है कि जो पहले हमारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न सब्जेक्टिव आधार पर पूछे जाते थे, अब सब्जेक्टिव आधार पर ना पूछे जाकर उन प्रश्नों को बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप में हमारे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, ये कुछ बदलाव के साथ परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा ली जानी चाहिए। मैं पहले से ही कह रहा था दोस्तों कि परीक्षा को कैंसिल कराना एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक हमेशा आती जाती रहेगी। और क्लास 12th का एग्ज़ाम दोस्तों एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमारे पूरे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। ये हमारी हमारे कैरियर को तय करने वाला होता है और इसी एग्ज़ाम के रिजल्ट के आधार पर हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को चुनना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बहुत से बच्चे तो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ इसी क्लास 12th के बेस पर आधारित होता है। और हमारे शिक्षा एजुकेशन में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है जिस माध्यम के आधार पर हमें हमारा मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन करने का तरीका भी हमारे फिलहाल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो है परीक्षा। तो इसी आधार पर हमारा मूल्यांकन किया जाता है। और किसी भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी संस्था में एडमिशन लेना है, तो आपको आपका 12th क्लास के रिजल्ट के आधार पर मूल्यांकन आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो एग्ज़ाम को कैंसिल करने का तो तरीका बिल्कुल गलत था, और मैं इसके शुरू से खिलाफ था कि जो लोग बहुत से लोग जो है कैंपेन चला रहे थे कि हैशटैग कैंसिल सीबीएसई एग्जाम 2021, तो मैं इसके शुरू से खिलाफ था। और क्योंकि हम एक विद्यार्थी होने नाते हमें हमारा जो कर्तव्य बनता है दोस्तों वो है एग्ज़ाम, अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखना। और परीक्षा के लिए तैयार रखना क्योंकि हमें आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। हमारे जीवन में, हमारे कैरियर में ऐसी बहुत सी बाधाएं आएंगी जिससे हमें पार पाना है। तो छोटी छोटी दिक्कतों का सामना तो हमें करना पड़ेगा, और इन दिक्कतों की वजह से हम अपनी परीक्षा को कैंसिल करवा दें, ये कहाँ सही बात हो सकती है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मुझे इजाज़त दीजिए और द पॉलिटिकल मास्टर को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।